मैदान तेरा जरूर होगा, लेकिन इस खेल के सबसे पुराने खिलाड़ी हम हैं। ऐसा लग रहा है कि इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग और इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर का टैग सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को मिलने वाला है, क्योंकि फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसको देखने के बाद इस फिल्म की जो बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन है वो पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर नजर आ रही है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बड़े मियां छोटे मियां ट्रेलर रिव्यू और इसके बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, साथ ही साथ बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन की फिल्म शैतान, सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा, वही मड़गांव एक्सप्रेस और वीर सावरकर के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे इन सभी फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की कॉमेडी ड्रामा फिल्म मड़गांव एक्सप्रेस के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया था कुणाल खेमू ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिले थे प्रतीक गांधी, देवेंदु शर्मा, अविनाश तिवारी और नोरा फतेह। बता दो दोस्तों फिल्म एक मीड बजट फिल्म है, जिस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आज कंप्लीट हो चुके हैं 6 दिन। फिल्म की जो ओपनिंग है वो तो एक तरह से ठीक ठाक थी, लेकिन दोस्तों ये फिल्म लोगों को काफी अच्छी लगी, जिसके चलते ही इस मूवी के जो कलेक्शन है वो 6 दिनों के अंदर एक तरह से काफी बढ़िया रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए यहां पर मड़गांव एक्सप्रेस के 6 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, दोस्तों इस फिल्म ने शुरुआती 4 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट 9 करोड़ 88 लाख रुपए का किया था। वही दोस्तों 5वें दिन फिल्म का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 1 करोड़ 21 लाख रुपए रहा। वही बात करें इस फिल्म के आज यानी कि 6ठे दिन के कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म को जो आज ऑक्यूपेंसी मिली है वो कल के मुकाबले थोड़ी सी ड्रॉप हो चुकी है, और मड़गांव एक्सप्रेस अपने 6ठे दिन इंडिया नेट कलेक्शन 1 करोड़ 15 लाख रुपए का कर रही है। और इसी के साथ मड़गांव एक्सप्रेस का शुरुआती 6 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 12 करोड़ 24 लाख का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 14 करोड़ 54 लाख रुपए। वही 6 दिनों में फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 15 करोड़ 80 लाख रुपए की रेंज में हो चुका है, जो कि एक तरह से डिसेंट कलेक्शन है। अब दोस्तों कल ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई कर जाएगी, लेकिन परसों से बॉलीवुड की नई फिल्म रिलीज होगी, जिसके बाद फिल्म की स्क्रीन कम हो जाएगी। तो देखते हैं कि कम स्क्रीन पर यह फिल्म दूसरे हफ्ते में कैसा परफॉर्म करती है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की एक और फिल्म वीर सावरकर के बारे में, जिस फिल्म से डायरेक्टिंग में डेब्यू किया है रणदीप हुड्डा ने, और फिल्म के लीड एक्टर भी खुद रणदीप हुड्डा है, जिन्होंने वीर सावरकर जी का किरदार बड़े पर्दे पर प्ले किया है। बताना चाहूंगा दोस्तों इस फिल्म का बजट भी काफी मिनिमम था, उस हिसाब से देखे जाए तो इस फिल्म का कलेक्शन भी 6 दिनों के अंदर एक तरह से डिसेंट है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को भी ज्यादा स्क्रीन पर नहीं रिलीज किया था, और बहुत सारी फिल्मों का कॉम्पिटिशन इसे भी मिला था, जैसे कि इसके साथ में ही मड़गांव एक्सप्रेस रिलीज हुई, वही एक हफ्ते पहले से योद्धा चलती आ रही थी, और 3 हफ्ते पुरानी शैतान भी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा के रखी थी। और इतने सारे फिल्मों के बावजूद भी यहां पर वीर सावरकर का जो 6 दिनों का कलेक्शन है वो एक तरह से ठीक ठाक रहा। अगर बात की जाए इसके 6 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, दोस्तों वीर सावरकर फिल्म ने शुरुआती 4 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 8 करोड़ 25 लाख रुपए का किया था, 5वें दिन फिल्म की कमाई 1 करोड़ 14 लाख रुपए की रही। हालांकि दोस्तों इस फिल्म को जो आज ऑक्यूपेंसी मिली वो लगभग कल की ही तरह है, तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक वीर सावरकर अपने 6ठे दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 1 करोड़ 10 लाख रुपए। और इसी के साथ दोस्तों वीर सावरकर का शुरुआती 6 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 10 करोड़ 49 लाख रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 12 करोड़ 35 लाख रुपए। बता दें दोस्तों फिल्म का 6 दिनों का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 13 करोड़ 81 लाख रुपए का हो चुका है। तो दोस्तों इस फिल्म का भी 6 दिनों का कलेक्शन ठीक ठाक है, अब देखते हैं कि यह फिल्म भी दूसरे हफ्ते में नई फिल्मों के आने के बाद कैसा परफॉर्म कर पाती है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पिछले हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन फिल्म योद्धा के बारे में। करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म योद्धा, जिस फिल्म के अंदर हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा फुल एक्शन अवतार में नजर आए थे, साथ ही साथ इस फिल्म में दिशा पाटनी और राशि खन्ना भी नजर आई थी। बताना चाहूंगा दोस्तों इस फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपए था, और इस फिल्म को सिनेमाघरों में इस वक्त 2 हफ्ते खत्म होने को आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, फिल्म को सिनेमाघरों में हो
चुके हैं 13 दिन। जब मैं इस फिल्म को देखकर आया था तो फिल्म मुझे काफ़ी पसंद आई थी और फिल्म के पब्लिक रिव्यूज भी पूरी तरह से पॉजिटिव थे, जिसे देखकर लगा था कि ये मूवी तो बॉक्स ऑफिस पर एक कमाल का कलेक्शन करेगी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर योद्धा के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हैं वो फिल्म के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़े कम रहे। हालांकि हिंदुस्तान में फिल्म की कमाई थोड़ी कम आई, लेकिन इस फिल्म ने विदेशों से अच्छा खासा कलेक्शन किया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें इस फिल्म के जो ओवरसीज के अपडेटेड कलेक्शन है वो ऑफिशियली बाहर आ चुके हैं। तो अगर बात करें योद्धा के 13 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा फिल्म ने शुरुआती 11 दिनों के अंदर ही 32.60 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन किया था। वही 12वें दिन फिल्म का कलेक्शन 1.03 करोड़ रुपए का रहा। बढ़िया बात यह है कि फिल्म को जो आज ऑक्यूपेंसी मिली है वो कल से थोड़ी बेहतर है। तो यहां पर योद्धा फिल्म अपने 13वें दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 1.10 करोड़ रुपए का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा का शुरुआती 13 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 34.73 करोड़ रुपए का हो चुका है। वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 41.10 करोड़ रुपए। और दोस्तों बता दें फिल्म का जो ओवरसीज अपडेटेड कलेक्शन है वो फाइनली 12.50 करोड़ रुपए का आया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यहां पर धर्मा प्रोडक्शन ने खुद ऑफिशियली बताया है कि फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 12.50 करोड़ रुपए की कमाई की है। और इसी के साथ दोस्तों योद्धा का 13 दिनों का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बनता है वो 53.60 करोड़ रुपए का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपए और फिल्म दुनिया भर से 53.60 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। अब दोस्तों फिल्म को बजट इतनी कमाई करने के लिए अभी तो और थोड़ा कलेक्शन करना होगा, तो देखते हैं कि जितना फिल्म का बजट है उतनी कमाई ये फिल्म कर पाती है या नहीं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरहिट फिल्म शैतान के बारे में। विकास बहल के डायरेक्शन में बनी हॉरर ड्रामा फिल्म शैतान, जिस फिल्म में मास महाराजा अजय देवगन के साथ में आर माधवन ज्योतिका देखने को मिले थे। इस फिल्म को सिनेमाघरों में इस वक्त 3 हफ्ते कंप्लीट होने को आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों ये फिल्म अभी भी डट कर खड़ी और सिनेमाघरों के अंदर भीड़ लाने में पूरी तरह से कामयाब हो रही है। मतलब कि दोस्तों इस फिल्म के रिलीज होने के बाद में कितनी सारी फिल्में आई चली गई, लेकिन यहां पर शैतान के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ना वो दिन पे दिन काफी बेहतर रहे। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि जब तक अजय देवगन की दूसरी फिल्म मैदान नहीं रिलीज होगी जब तक शैतान शायद सिनेमाघरों में ही चलती रहेगी। क्योंकि दोस्तों यहां पर बात की जाए शैतान के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म ने अब तक सिनेमाघरों में 20 दिन कंप्लीट किए हैं और 20 दिनों के अंदर फिल्म का जो कलेक्शन है वो पूरी तरह से कमाल का है, फिर चाहे वो इंडिया कलेक्शन हो या ओवरसीज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म ने 18 दिनों के अंदर ही ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 131.92 करोड़ रुपए का कर लिया था। वही फिल्म ने 19वें दिन 2.13 करोड़ रुपए की कमाई की। हालांकि दोस्तों ये फिल्म 20वें दिन थोड़ा डाउन हो चुकी है और फिल्म का 20वें दिन का कलेक्शन 1.90 करोड़ रुपए का हो रहा है। और इसी के साथ शैतान का 20 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 136 करोड़ रुपए का हो रहा है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 161.70 करोड़ रुपए। बता दो दोस्तों 20 दिनों में फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 193.50 करोड़ रुपए हो गया है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म दुनिया भर में 193.50 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर चुकी है और फिल्म को 200 करोड़ क्लब में एंट्री लेने के लिए अब सिर्फ 6.5 करोड़ की और कमाई करना होगी, जो कि मुझे लग रहा है कि ये फिल्म इस वीकेंड में यानी कि शुक्रवार शनिवार रविवार तक 100% कर जाएगी। तो फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपए और फिल्म वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का करेगी। यानी कि दोस्तों अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की शैतान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है सुपर डुपर हिट। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 2024 की सबसे बड़ी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बारे में, जिसका धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ट्रेलर को पब्लिक की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिला है वो पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर है। जी हां दोस्तों, ट्रेलर क्रिटिक्स हो या पब्लिक हो सबको पसंद आ रहा है और हर कोई इस ट्रेलर की भर भर कर तारीफें कर रहा है। मैंने भी दोस्तों ट्रेलर देखा और ये की वर्ड कहूंगा कि इस फिल्म से अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जबरदस्त वापसी होने वाली है। क्योंकि यहां पर दोस्तों बड़े मियां छोटे मियां के ट्रेलर में जो एक्शन सीक्वेंस दिखाए हैं वो पूरी तरह से हॉलीवुड के लेवल के। यहां पर बाइक चेसिंग है, हेलीकॉप्टर पर फाइटिंग वाले सीन है, साथ ही साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी देखने को मिल रहा है। अक्षय कुमार का लुक और उनके डायलॉग्स तो कमाल के हैं, साथ ही साथ टाइगर श्रॉफ ने भी पूरे ट्रेलर में धमाका कर दिया है। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई यहां पर बड़े मियां छोटे मियां का जो बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन है वो कीजिए। तो दोस्तों इस वक्त फिल्म का ट्रेलर आया है, ट्रेलर सुपर डुपर हिट लग रहा है। तो अगर बात की जाए फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, दोस्तों यहां
जहां पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की जिस तरह से हाइप बनी हुई है उसे देखकर इतना तो कंफर्म है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग लेगी। लेकिन दोस्तों आपको एक और बात बता दें कि फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है और ईद है 11 अप्रैल को, यानी कि फिल्म ईद के एक दिन पहले रिलीज होगी, जिसके चलते हमारे मुस्लिम भाई शायद इस फिल्म को देखने पहले दिन नहीं जाएंगे। फिर भी ये फिल्म पहले दिन 30 से 35 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है। अब पहले दिन रिलीज होने के बाद अगर इस फिल्म के पब्लिक रिव्यूज पूरी तरह से पॉजिटिव रहे तो दूसरे दिन यानी कि ईद के मौके पर फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन यानी कि सेकंड डे कलेक्शन इंडिया में ही 50 करोड़ रुपए की रेंज में हो सकता है। और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो शायद ये फिल्म अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेलर इतना धमाकेदार है तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का कलेक्शन भी कर सकती है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, बड़े मियां छोटे मियां फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ कमाएगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।